हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम लोग देखेंगे टॉप 30 एमसीक्यू टेस्ट, जो बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जिसमें आज का पहला प्रश्न है, लोना किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कबड्डी से। कबड्डी में लोना के दो अंक मिलते हैं। और कबड्डी मैदान की लंबाई चौड़ाई पुरुष के लिए तो 13×10 मीटर होती है, और महिलाओं के लिए 12×8 मीटर होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। अर्जुन अवार्ड 1961 से दिया जा रहा है। वर्तमान धनराशि 15 लाख रुपए है। अगला ऑप्शन है, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप क्या है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 98.4 फ़ारेनहाइट। अगला ऑप्शन है, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वायरल बुखार। अगला ऑप्शन है, CTS का क्या अर्थ है। तो चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिक तेज दौड़ना। क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं। आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेता के। अगला ऑप्शन है, पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गति का। आप लोग बताएंगे, पेशी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रक्त विषाणु। अगला ऑप्शन है, वातावरण का अर्थ है। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला ऑप्शन है, बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 28×15 मीटर, 28 लंबाई और 15 चौड़ाई। बास्केटबॉल में अधिकतम टीम खिलाड़ी 12 होते हैं, जिसमें खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। और बास्केटबॉल गेंद का भार 567 से 650 ग्राम होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और बास्केटबॉल का आविष्कार देश अमेरिका है, USA, 1891। अगला ऑप्शन है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1960 में।
अगला ऑप्शन है शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वंशानुक्रम व वातावरण। अगला ऑप्शन है अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आरेखित पेशी। अगला ऑप्शन है मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 600 से अधिक। अगला ऑप्शन है सेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। अगला ऑप्शन है स्वैच्छिक व्यायाम है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी योगासन, मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पुरस्कार नगद राशि क्या है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। वर्तमान राशि 25 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए है। और 1991 से दिया जा रहा है। अगला ऑप्शन है लीग प्रतियोगिता को कहते हैं। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। अगला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति पाठ्यक्रम विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूल्यांकन। अगला ऑप्शन है NSNIS का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। स्थापना वर्ष 1961, आप लोग ध्यान रखेंगे, और पटियाला में स्थित है, पटियाला। अगला ऑप्शन है स्ट्रेन क्या है। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेशियों का फटना या खिंचाव स्ट्रेन कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। अगला ऑप्शन है रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन व खनिज। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 28 औंस। हॉकी गेंद का भार 156 से 163 ग्राम होता है और मैदान 100×60 गज होता है।
आप लोग ध्यान रखेंगे। हॉकी में पेनाल्टी शूट आउट समय 8 सेकेंड होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। अगला ऑप्शन है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध। अगला ऑप्शन है, श्वेत इंद्रियों का मुख्य अंग है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीभ। अगला ऑप्शन है, एड्स का अर्थ है। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। अगला ऑप्शन है, स्ट्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर आ सा ई यानी राइस, आर आई सी ई राइस। आप लोग इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला ऑप्शन है, लोगों को मुक्त समय में समय का रचनात्मक उपयोग करने लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मनोरंजन। अगला ऑप्शन है, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फेफड़े। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, घर से बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को कहते हैं, क्या कहते हैं, शिविर आश्रम एजेंसी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर सोच कीजिएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिविर। दोस्तों प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।